गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग देखो कहाँ शुरू हो रहा है, सीधे स्टेशन में बैठे हैं और टिकट करा रहे हैं खाटू श्याम जी की। हम लोग खाटू श्याम जा रहे हैं आज रात में, और आज होली है यहाँ पर, होली मना के ही जाएंगे वहाँ पर। तो वो आपातकालीन खिड़की है वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ से टिकट होता है, यहाँ से टिकट होता है। और हम बैठे हैं अभी स्टेशन में, तो शाम की रात की 8 बजे की ट्रेन है और सुबह 8 बजे खुलता है यहाँ पर। तो गाइस इतने लोग खड़े हैं टिकट के लिए, और राम जी भाई अपने खड़े हैं, यही लेंगे हम लोगों टिकट। गाइस हम लोगों ने तत्काल फॉर्म ले लिया है रिजर्वेशन वाला, इसी से होगा, 4 टिकट मिल जाएंगे और हम लोगों के पास अब टिकट लेना है 11 बजे आकर। और हमारे यहाँ मटिया टंगी भाई अभी से देखो हो रही, देखो लग रही है, ये देखो बैलून्स लग गए पूरे में, ये देखो मटकी। गाइस यहाँ पर होली जली थी ना हम लोगों की। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं स्टेशन, जाना है, टिकट खैर मिली नहीं थी रिजर्वेशन वाली, और अभी पूरी पैकिंग करना है। अभी लगभग 10 बजे है ट्रेन, और दूध लेने जाना है, अभी घर का काम करना है, फिर उसके बाद पैकिंग करना चालू करेंगे और जल्दी से कर लेंगे। थोड़ा बहुत सामान है, कुछ ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए लेंगे नहीं, वहीं पे सब लेंगे और वृंदावन चलेंगे सीधे आज पहले, फिर खाटू श्याम। तो गाइस हम लोग अब स्टेशन में आ गए हैं और यहीं से ट्रेन जानी है कानपुर, और फिर कानपुर से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो पहले यहाँ की ट्रेन पकड़ते हैं फिर आगे चलेंगे भाई। यहाँ पीछे है जहाँ हमें बैठना है, वो पीछे है। तो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में और काफ़ी दूर निकल आए हैं वैसे, और कानपुर अभी पहुँचने वाले हैं और आगे की जर्नी वहाँ से स्टार्ट होगी। तो गाइस हम लोग कानपुर सेंट्रल पहुँच गए हैं, ये कानपुर सेंट्रल का प्लेटफॉर्म ब्रिज है, कानपुर सेंट्रल का ये, और प्लेटफॉर्म नंबर ये का ये है, कितना मस्त लग रहा है ना। 4130 हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जा रहे हैं और 1 बजे हम लोगों की ट्रेन है। गाइस ये देखो कानपुर के सेंट्रल का बाहर का है, ऐसा कुछ व्यू है भाई, बाहर का व्यू ऐसा है, मस्त लग रहा है ना एकदम हमारे कानपुर सेंट्रल का। गाइस वो हम लोगों की ट्रेन आ रही है, वो अब यहीं से हम लोग वृंदावन जाएंगे सीधे मथुरा, मथुरा से वृंदावन, वो आ रही है। और हम लोग यहाँ खड़े हैं भाई लोग, उंगली दिखाओ। तो गाइस अभी हम लोग मथुरा वाली ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ सीट मिली है, ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर भाई। और ये सो रहा है, ये सोएगा और फिर ये जग जाएगा, फिर हम लोग सो जाएंगे। और नींद आ रही बहुत तेज, रात का बहुत, कितना बज रहा है, लगभग 2-2 के ऊपर है भाई, बोलो जो सुबह की से 2 के ऊपर है, लगभग 2:30 बज रहा है, और सुबह तक हम लोग पहुँचेंगे भाई, 6 बजे तक है, 6 बजे तक पहुँचेंगे हम लोग मथुरा स्टेशन पे, और फिर वहाँ से वृंदावन जाएंगे। भाई हम लोग मथुरा स्टेशन में पहुँच गए हैं और यहाँ पर गाड़ियाँ भाई, भीड़ लगी है, टूरिस्ट वाली हैं और कुछ वैसे भी है, बहुत मस्त लग रहा है। वृंदावन हर जगह ही लिए भाई, हम वृंदावन चलना है, पहले रूम ले रहे हैं, पहले रूम लेंगे फिर चलेंगे वृंदावन। टहल रहे हैं वृंदावन गलियों में और राजा राधे लिखवा लिया है, आपको दिख रहा होगा भाई, मस्त एकदम। गाइस बहुत भीड़ है यार, हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने।
हरिलाल मंदिर। बहुत पंखे लगे हैं, पंखे देखो कितने सारे लगे हैं। बाके बिहारी लाल के यहाँ भाई फोटो खींचना बहुत मतलब बहुत मुश्किल। हम लोग लगातार आगे जा रहे हैं। ये विशाल लेके आगे जा रहे हैं भाई साहब। सभी लोग कहाँ गए यार? वहाँ पर है बाकी बिहारी लाल, वहाँ पर है और इतना भव्य बना है मंदिर बहुत भव्य बना है और इतनी दूर से लोग देख रहे हैं माला। भाई साहब इतनी दूर से लोग माला देख रहे हैं, अभी बहुत भीड़ से आ गए हैं हम। ये बाकी बिहारी जी के डुप्लीकेट हैं, मैं बाकी बिहारी जी और यहाँ पर कम भीड़ है और बहुत अच्छा लग रहा है और सजे धजे एकदम मस्त बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। भाई वहाँ पे तो बहुत भीड़ थी भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी और यहाँ पर है बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बाकी बिहारी जी है तो गाइस ये है प्रेम मंदिर। हम लोग प्रेम मंदिर पहुँच चुके हैं और ये प्रेम मंदिर रात का नज़ारा कहते हैं बहुत अच्छा होता है और अभी हम लोग दिन में हैं और कल जाना है खाटू श्याम तो रात में तो रुक नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं प्रेम मंदिर और बहुत ही भव्य और बहुत मस्त बना है भाई। पहली बार विजिट किए हैं प्रेम मंदिर में और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। ये देखो यहाँ पे फूल उगे हैं पूरे और ये देखो सामने प्रेम मंदिर है ये और यहाँ पर भाई देखो ये बहुत बड़ा बना है। वैसे फ़ोटो में आपको छोटा लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा बना है ये देखो। और यहाँ पर ये देखो यहाँ पर सब लोग फ़ोटो लेते हैं ना, आपने देखा होगा। ये देखो यहाँ पर कालिया नाग और जमुना जी झरने बह रहे हैं। बहुत बहुत मस्त बना है यार ये और रात में इसकी भव्यता और बढ़ जाती है जब कहते हैं लोग, लेकिन हम लोग रात में नहीं जा पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं भाई कितनी भीड़ है यार, कितनी भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है। होली की वजह से बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार आज। और कितना मस्त बना है स्ट्रक्चर, ये सबसे ऊंचा है और यहाँ ऊपर हम लोग अभी चलेंगे यहाँ पर। तो गाइस वो देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी एक प्रतिमा बनी है कन्हैया जी की, लेटे हुए हैं। तो चलो आगे चलते हैं। गाइस ये किस टाइप का पेड़ है आप देख सकते हो और ये देखो पूरा घास से लिखा है और वो कितनी बड़ी एलसीडी लगी है वो, ये लोग देखो देख रहे हैं। तो गाइस ये देखो भोले बाबा शिवलिंग रखी है, ये मस्त लग रहा है ना। और वहाँ पे गोवर्धन है, वहाँ पर वो गोवर्धन है।
गाइस प्रेम मंदिर बहुत भव्य बना है, देखो कितना अच्छा बना है यार। गाइस ये गुरु जी हैं और हम लोग इनके दर्शन कर रहे हैं अभी। बहुत भव्य बना है यार गाइस, कितना भव्य बना है, देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है गाइस देखो। अभी हम लोग प्रेम मंदिर के भगवान जी के पास खड़े हैं, कृष्ण और राधा जी हैं और हम लोग खड़े हैं। काफ़ी सारे मोबाइल चल रहे हैं वैसे और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो गाइस हम लोग अभी निधिवन में हैं, निधिवन आए हैं। ओ भाई बच गए, निधिवन आए हैं और यहाँ के सारे पेड़ ऐसे हैं कि नीचे का सब सूखा है और पत्ती सारी हरी हैं और यहाँ बंदर बहुत लगते हैं तो ब्लॉग कम बन पाएगा। तो गाइस वो मंदिर है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है, इसी वजह से सब अपनी अपनी आस्था के अनुसार सब काम कर रहे हैं और बहुत भीड़ है यहाँ देखो। बड़ी कठिनाई भाई बनते वीडियो सही बात है भाई, हम लोग बाहर आ चुके हैं भाई। हम लोग अभी जयपुर में हैं और बहुत थके हुए हैं, अब यहाँ से रिंगस के लिए बस पकड़ रहे हैं और ये मेट्रो स्टेशन है जयपुर में, मेट्रो स्टेशन, और जल्दी से रिंगस की बस पकड़ते हैं और चलते हैं रिंगस सीधे। The next morning. तो गाइस हम लोग आखिरकार रिंगस पहुँच गए खाटू श्याम बाबा के दरबार पे और यहाँ से केवल 14 से 15 किलोमीटर दूर हैं। हम लोग बुलाया था तो फाइनली हम लोग पहुंच गए और यहाँ हम लोगों ने रात में स्टे किया था। तो गाइस ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, बस इतना ही बड़ा रूम है और कल्लू भाई ये सो रहा है, नहीं कल्लू नहीं प्रांशु भाई ये सो रहे हैं, राम जी तेल लगा रहे हैं भाई। रात में ठंडी हो गई थी, हम लोग कंबल ओढ़े थे रात में एसी की वजह से, एसी की वजह से हम लोगों ने कंबल ओढ़े थे। सफ़ेद कुत्ता डाला हाँ सबसे बढ़ रहा, देखो कैसा लग रहा है बताइए कमेंट में बताना जरूर। तो गाइस हम लोग निशान ले रहे हैं खाटू बाबा का और लगा रहे हैं भैया। तो गाइस फाइनली हम लोग चल चुके हैं खाटू जी के लिए और निशान ले लिए हैं और चलते रहेंगे बस जय श्री श्याम करते करते। सब लोग बोलेंगे एक बार प्यार से खाटू नरेश की। गाइस हम लोग खाटू जी पहुंच गए आखिरकार और हम लोग गेट दिखने लगा, वो सामने है जस्ट, वो उधर सामने दिख रहा है गेट, सामने गेट है बिल्कुल जस्ट, अभी आपको दिखाते हैं। और बहुत देर पैदल चले, पूरा पैदल ही आए हैं और शायद जलन हो रही नीचे पैर में भाई। खाटू बावन बुला लिया भाई आखिरकार और आशीर्वाद एक बार और बना दें तो कृपा हो जाएगी भाई। और हम लोग चलते हैं अभी वहीं पे सीधे दरबार दिख गया यार। ये गेट देख रहा है आपको, ये गेट तो गेट दिख गया है। तो गाइस ये आ गया गेट खाटू श्याम जी का और ऐसा कुछ दिखता है आपने वैसे भी देखा होगा और मस्त लग रहा है भाई, पहली बार आए हैं, पहली बार में इंप्रेशन हो गया। और यहाँ पर सब लोग वीडियो बनवाते हैं, आपने देखे होंगे बहुत से वीडियो, स्पीकर स्पीकर रखे हैं अपना सेल्फी स्टिक के साथ। बोला खाटू नरेश की जय। तो गाइस हम लोग अब अंदर चल रहे हैं और यार बहुत भीड़ है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग ऐसे दर्शन कर रहे हैं और यहाँ होली मन रही अभी भी भाई।
बहुत मजा आ रहा है। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं श्याम कुंड में, और ये है श्याम कुंड। कितने सारे लोग हैं ऊपर से, बहुत सारे लोग हैं, और कहते हैं इससे चर्म रोग दूर हो जाते हैं इसके पानी से। तो हम लोग भी चलेंगे, नहाएंगे नहीं लेकिन। तो गाइस हम लोग खाटू श्याम जी की लाइन में लग गए हैं, और हम लोगों ने प्रसाद और गुलाब लिया था, और हम लोग अब चल रहे हैं। पता नहीं बहुत लंबी लाइन है, कितनी देर में मिलेंगे दर्शन। और इतनी बड़ी बड़ी टीवी लगी हैं, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ी लाइन है। हेलीकॉप्टर की पंखड़ी जैसे पंखे लगे हैं भाई, इतने बड़े बड़े पंखे लगे हैं, बहुत बड़े बड़े। बहुत स्लो चलते हैं, बहुत तेज हवा देते हैं। तो गाइस हम लोग बस पहुँच ही गए, वो सामने है यहाँ पर, यहाँ पर है बाबा, यहाँ बाबा मंदिर है। और अंदर दर्शन के समय मोबाइल नहीं यूज़ करना है, यहाँ लिखा भी है, दर्शन शायद नहीं हो पाए। बहुत भीड़ है यहाँ पर, एक इतनी सारी लाइन लगी हैं, और वहाँ पर भी लाइन लगी हैं। तो गाइस वो है श्याम बाबा का दरबार। तो गाइस इतने सारे देखो श्याम बाबा के तस्वीर यहाँ पर लगी हैं, और वो जय श्री श्याम लिखा है। वो है श्याम बाबा, आपको दिख रहे होंगे, वो है श्याम बाबा, वो श्याम बाबा है। जय श्री श्याम। गाइस आपको दर्शन हो गए, तो गाइस आपको दर्शन हो गए आखिरकार, फाइनली आपको भी हुए हमें भी हुए। और बहुत भीड़ थी यार, हम सबसे आखिरी वाली लाइन में थे, तभी हम सबसे क्यों इतनी जल्दी दर्शन मिल रहे हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा श्री श्याम को देख के, बस कामना और पूरी करते हैं एक बार। गाइस अब हम लोग खाना खाने आए हैं, सुबह से अब खाना खा रहे हैं। गाइस अब हम लोग जा रहे हैं जयपुर यहाँ से। गाइस हम लोग अभी जयपुर मेट्रो में पहली बार बैठे हैं, पहली बार जयपुर मेट्रो में, और आ भी गई, जैसे ही नाम लिया आ भी गई, और हवा महल जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस वी आर अराइव्ड इन हवा महल, और हम लोग हवा महल के अंदर आ चुके हैं। और एक लोगों का टिकट 52 रुपए का था, और नीचे लिया हम लोगों ने, और फिर हम लोग आ गए। ये हवा महल है पूरा, ये लोग कुछ गाना गा रहे हैं, बहुत से लोग भाई अंग्रेज मिल रहे हैं, और यहाँ पर सारे VIP लोग हैं यार, मस्त एकदम। गाइस ये कठपुतली वाला खेल है, गाइज हम लोग ने पूरा हवा महल घूम लिया है, और हम लोग जा रहे हैं नीचे। भाई बहुत मस्त बना, एकदम खुला खुला, एकदम मस्त, जहाँ से मतलब पूरी हवा है, सही बात है, और बहुत मस्त बना है। पूरा विजिट किया पूरी तरह से, बहुत सारी फ़ोटो खींची, मज़ा आ गया भाई, फुल पैसा वसूल। तो गाइज ये सारी मार्केट है हवा महल पे, ये हवा महल है यहाँ पर, यह जस्ट, और ये सारी मार्केट है। और कितना बड़ा बना भाई, यहाँ तक काफ़ी एरिया में फैला हुआ है भाई सारा कुछ, ये बहुत मस्त है, और मार्केट बहुत बड़ी है ये।
तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरे कौन आई तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कहाँ घूमने चलना है। अगर आपका साथ रहा तो घूमने जरूर चलेंगे यार। और क्या बताएं, कैमरामैन तो आए नहीं हमारे पास।